हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक और नया ब्लॉग शेयर करूंगी। आप लोगों को तो पता है कि मैं मायके में हूँ और बस मैं अभी हाथ धोकर आई थी। अभी बज रहा है सुबह की 11। यहाँ पर ऐसे ही होता है, लेट उठना, लेट नाश्ता, लेट नहाना। नाश्ता पहले ही हो गया था नहाने से पहले, यहाँ पर ऐसे ही है यार। बस वहीं पर जहाँ पर हम रहते हैं ना, वहीं टाइम से सब कुछ चलता रहता है, वरना कहीं जाओ तो ऐसा ही हो जाता है। चीकू को भी नहला दिया, वो टॉफी खा रहा है, कार्टून देख रहा है टीवी में, क्योंकि यहाँ पर तो जो आ रहा है टीवी में उन्हीं से टाइम पास कर रहा है। चीकू के फेवरेट भी आना तो चल ही नहीं रहा है यहाँ। हाय गाइस कर दो सबसे, कह दो हाय गाइस और कह दो हैप्पी समर। कह दो हैप्पी हैप्पी, वेरी गुड। कह दो मैंने फर्स्ट टाइम आज निक्कर पहना है, इसलिए आप लोगों को हैप्पी समर। कह दो आप लोग तो निक्कर में आ गए होंगे, मैं तो पहली बार ही निक्कर में आया हूँ। कह दो मेरा न्यू निक्कर कैसा लग रहा है, पूछ लो कैसा लग रहा है। खड़े होकर दिखा दो, न्यू निक्कर दिखा दो खड़े होकर। हाँ खड़े होकर दिखा दो। हाँ कह दो हीरो लग रहा हूँ मैं, नहीं पूछ लो। कह दो कैसा लग रहा हूँ, हीरो लग रहा है चीकू। न्यू शर्ट, कॉटन टी शर्ट, निक्कर है। और चीकू की नानी भी आ गई है, उनको नहा धो के तैयार होके। हाय गाइस, मम्मी पूजा करने जा रही है और सब नहाना के आ रहे हैं एक एक करके। लकी तो सो गया है क्योंकि आज संडे है तो उसका ऑफ है, तो वो सो रहा है। बोलो अभी भाई, मारते नहीं है भाई को। हाँ गंदा बच्चा। आज मैं बनाने वाली हूँ पापा की फरमाइश पर मशरूम मटर की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने टमाटर और लहसुन, प्याज और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाले थे, उसका पेस्ट बना लिया मिक्सी में ग्राइंड करके। और ये मैंने मशरूम काट के रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना चिकन। लेकिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये मशरूम ही है गाइस। पापा बोले थे कि आई हुई है तो थोड़ा मशरूम की सब्जी बना के खिला दे, क्योंकि मम्मी ना प्याज तो बना लेती हैं प्याज की सब्जी, बट लहसुन वगैरह मम्मी नहीं खाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा को अच्छे से प्याज लहसुन की सब्जी बना के आज खिलाते हैं। तो मैं बस वही बना रही हूँ, और मैंने मशरूम को डीप फ्राई कर लिया है। एंड अब मैंने ऑयल में डाला था प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो, फिर उसको करने के बाद मैंने इसमें टमाटर का भी पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छे से हम पका लेंगे, तेल ऊपर छोड़ने लगे तो इसका मतलब वो हो चुका है। फिर इसमें मैंने सारे मसाले डाले, गरम मसाला, धनिया, जो भी मसाले थे, मीट मसाला वगैरह वो सब डाले, और थोड़ा जो कश्मीरी मिर्च होती है वो कलर उससे अच्छा आ जाता है तो वो भी डाला। एंड इसमें इसको चलाने के बाद मैं इसमें मशरूम डाल दूँगी। और मैंने अलग से मटर भी फ्राई, आई मीन बॉयल की थी, फ्राई नहीं बॉयल की थी, उसको भी डाल दूँगी, बॉयल की हुई मटर को। बहुत टेस्टी बनती है गाइस ये सब्ज़ी, मुझे बहुत पसंद है। पहले हम नहीं खाते थे बट मैंने ना शादी के बाद ही खाना सीखा है, मैंने अपने जीजा जी से सीखी थी ये सब्ज़ी बनानी, उन्होंने बहुत टेस्टी बनाई थी एक बार। फिर उसके बाद मैंने इसमें डालूंगी सब्जी बनने के बाद थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं इसको, मेथी, कस्तूरी मेथी शायद मेथी कहते हैं, हाँ मेथी कहते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा तवे पर फ्राई किया और सब्ज़ी में डाल दिया, थोड़ी सी मलाई डाली और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाली, और मेरी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे अपना लंच। लकी कैसी बनी है? बहुत टेस्टी। पापा से पूछ के आऊँ, पापा भी खा रहे हैं। पापा कैसी बनी है? सही है, पापा का तो एक ही जवाब है सही है। सबको खिलाने के बाद और अब मैं अपनी थाली लेकर बैठी थी, और अब मैं करूँगी अपना टेस्टी सा लंच। मशरूम की सब्ज़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। चावल के साथ खाना गाइस, चावल के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं जा रही हूँ थोड़ा बैंगल्स का कलेक्शन इकट्ठा करने भाभी के लिए। हमारे घर के बराबर में ही जस्ट शॉप है बैंगल्स की, तो थोड़ा देखती हूँ वहाँ पर क्या क्या कलेक्शन है, कुछ अच्छा कलेक्शन इकट्ठा करेंगे। बहुत सारे बैंगल्स दे रहे हैं ना खेलने वाली भाभी के लिए। खा लिए हैं वो चूड़ी निकाल दे, दो छह रेड में शेंशी में। कुछ रेड कलर में ठीक है, और एक दो थोड़े अच्छे फैंसी वो निकाल दे कंगन।
फिर मैंने बैंगल बॉक्स रेडी करवाया और मुझे लगा कि क्यों ना मैचिंग की ले ली जाए। फिर मैं घर पर अंदर गई और जो साड़ियाँ थी उनको लेकर आई। फिर मैंने सोचा मैचिंग की ही लगवा लेते हैं ऐसे वैसे कलर से, क्योंकि वो क्या है बाद में काम भी आ जाएंगी साड़ी के साथ पहनने के लिए। फिर मैंने साड़ी के साथ के मैचिंग की बैंगल्स निकलवाई और जो मुझे पार्टी वियर वगैरह कंगन पसंद आए थे वो मैंने अपनी पसंद से ही रख लिए सब कुछ। फिर शाम को फ्री होकर मैं गई थी अपनी ताई के घर चीकू को लेके। मैंने सोचा अब कोई काम नहीं है तो थोड़ा ताई के घर भी घुमाते हैं। है मामी ने क्या दिया है, इधर आ, ओए इधर आ, क्या दिया है मामी ने? बनाना खा लो खा लो खा लो। अरे वाह ए चीकू, चल घर चल चीकू, को इतने सारे बच्चे मिल गए तो वो जाना ही नहीं चाह रहा है घर। आओ 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 ए चल घर चल चीकू। तो गाइस ऐसा ही रहा आज का कुछ दिन, पूरा दिन इतना बिजी हो गया। ताई के घर गई थी आज शाम को और अभी आई थी यहाँ पर। मेरी दो तीन ताई वगैरह हैं तो उनके घर भी आना जाना रहता है, तो बहुत ही बिजी सा था दिन। यहाँ पर तो मुझे टाइम पता ही नहीं चलता, मैं 8 दिन रह जाऊँ 10 दिन रह जाऊँ लेकिन मेरा टाइम ना ऐसे निकल जाता है। चीकू तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, वहाँ इतने सारे उनके मोहल्ले के बच्चे मिल गए तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको बड़ी मुश्किल से लेके आए। मम्मा को मारता है गंदा बच्चा, करती कर लूँगी। तो बस आज का ब्लॉग अब हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अब मैं खाना पीना खाऊंगी। मम्मी खाना बना रही हैं तो गरम गरम खाना खाएंगे अब हम। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये देखो खेलने के लिए बंदा तैयार है बिल्कुल, चीकू का बस वो तो उसका फुल एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पर इस टाइम पर, ये समझ लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।